देखें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो पेपर में आए, फैक्ट्स ये हैं तीन। फैक्ट वन कह रहे हैं ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, फैक्ट टू सम चिकन्स आर हैं जी, यहाँ कुछ मुर्गियाँ होंगी कुछ मुर्गे होंगे, फीमेल बर्ड्स ले एग्स, तो ये फैक्ट हो गए। अब कह रहे हैं इफ फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो स्टेटमेंट वन में कह रहे हैं ऑल बर्ड्स ले एग, देखो अब अगर आप इसके हवाले से देखो तो यहाँ ऐसी कोई बात भी नहीं कही गई है, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। फिर स्टेटमेंट टू है सम हैंस आर बर्ड्स, जी हाँ चूँकि कुछ ना कुछ हैंड्स जो हैं वो बर्ड्स होंगी होंगी, वैसे तो ऑल होती हैं लेकिन सम भी चलेगा। फिर कह रहे हैं सम चिकन्स आर नॉट हैंस, ये ऑलरेडी मेंशन है कि कुछ चिकन्स हैन होती हैं कुछ नहीं भी होते। तो स्टेटमेंट टू एंड थ्री करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट टू एंड थ्री, स्टेटमेंट टू एंड थ्री। रीजनिंग तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं, स्टेटमेंट वन आइसलैंड आर सराउडेड बाय वाटर, वैसे ही फैक्ट है, हवाई इज़ एन आइसलैंड, फैक्ट टू हवाई वॉज फॉर्म बाय वोल्कानो। अच्छा अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो देखो अब स्टेटमेंट वन में कह रहे हैं हवाई इज सराउंडेड बाय वाटर, जनाब बिल्कुल होगा क्योंकि आइसलैंड है और आइसलैंड सराउंडेड होते हैं वाटर से। ऑल आइसलैंड आर फॉर्म बाय वोल्कानो, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ फैक्ट में, तो स्टेटमेंट टू तो रॉन्ग हो गई। फिर स्टेटमेंट थ्री कह रहे हैं ऑल वोल्कानोज आर ऑन आइसलैंड, नहीं जनाब ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या खाली करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर वन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर वन। देखो हर बार इसमें हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट्स को गौर से देखना है, असल इम्पॉर्टेंट बात ये है। शुरू के जो फैक्ट्स हैं, पहले तीनों फैक्ट्स के तहत आइसलैंड जो है सराउंडेड बाय वाटर थे, स्टेटमेंट वन में दिया है। फिर हवाई आइसलैंड है, हवाई वॉज फॉर्म बाय वोल्कानो, तो हवाई सराउंडेड बाय वाटर तो सही है, लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं है कि सारे आइसलैंड वोल्कानो से बनते हैं या सारे वोल्कानो जो हैं वो आइसलैंड पे होते हैं, तो स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग कह रहे हैं मरियम सेठ अनीला सेट अनीला एंड आई बोथ हैव कैट, हम दोनों के पास बिल्ली हैं। फैक्ट वन अनीला सेट आई डोंट हैव अ कैट, मरियम ऑलवेज टेल द ट्रूथ बट अनीला समटाइम्स टेल्स लाई। देखो फैक्ट वन में बात ही हो रही है कि दोनों के पास बिल्ली हैं, और कौन कह रही है, मरियम कह रही है जो कि सच कह रही है भाई। अनीला ने कहा मेरे पास कोई कैट नहीं है, लेकिन थ्री में ही बात आ गई कि मरियम हमेशा सच कहती है, अनीला कभी झूठ भी बोलती है, तो इसका मतलब दोनों के पास कैट होनी चाहिए। अब फिर वही बात है कि इफ़ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, तो पहले फैक्ट में कह रहे हैं मरियम हैज़ अ कैट, बिल्कुल सही, अनीला हैज़ अ कैट, बिल्कुल सही होगी क्योंकि मरियम कह रही है और मरियम तो ट्रूथ बोलती है। फिर कह रहे हैं अनीला इज़ लाइंग, बिल्कुल सही, ये बात भी सही है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग तीन फैक्ट्स दिए हुए, जैसे कि कह रहे हैं फैक्ट नंबर वन आई गिलास फ्रेम कॉस्ट बिलो 3000 एंड 4000, फैक्ट वन यानी 3000 से 4000 के दरमियान में। फैक्ट टू सम आई ग्लासेस आर मेड अप ऑफ मेटल, और फैक्ट थ्री है सम आई ग्लासेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। फिर कह रहे हैं इफ फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट, तो देखें अगर पहली तीन स्टेटमेंट फैक्ट हैं तो कौन सी स्टेटमेंट है फैक्ट होगी। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं स्टेटमेंट वन है मेटल आई ग्लेस फ्रेम कॉस्ट मोर देन प्लास्टिक फ्रेम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पहली तीन स्टेटमेंट में गलत। टू कह रहे हैं एक्सपेंसिव आई ग्लास फ्रेम लास्ट लॉन्गर देन चीप, नहीं जी ओनली फ्यू आई ग्लेस फ्रेम कॉस्ट लेस देन 3000, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तीनों